कंडीशंस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑडिशन। दोस्तों ऑडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको, अगर आप ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन देने के बाद आपको क्या करना होता है, क्योंकि ऑडिशन देने के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि आपको निभानी है और आपको करनी है। अगर आप सच में फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो मूवीज या टीवी सीरियल में इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप ऑडिशन देकर आते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जो कि आपकी ओनली फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हो, और उसमें आपको अपनी ऑडिशन इन्फॉर्मेशन डालनी है। क्या क्या आपको नोट करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको नोट करना है ऑडिशन का जो डेट है, ठीक है, आपको ऑडिशन कौन सी डेट में है, कौन सी डेट में आपको ऑडिशन दिया था, आपको ऑडिशन कौन सी डेट को हुआ था, ये आपको नोट करना है ऑडिशन डेट, और उसके सामने आपको लिख देनी है उसकी डेट। ऑडिशन टाइमिंग एंड डे, कौन सा समय था कि ऑडिशन पर आपको बुलाया गया था और कौन सा दिन था, ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद आपको दोस्तों उस ऑडिशन में कौन सी ड्रेस कोड थी, उसमें आपको ब्लेजर पहन के बुलाया गया था, आपको उसमें कोट पहन के बुलाया गया था, आपको उसमें टी शर्ट में बुलाया गया था, जीन्स में बुलाया गया था, या फिर फीमेल्स आपको सूट में बुलाया गया था, साड़ी में बुलाया गया था, या फिर शॉर्ट ड्रेस में बुलाया गया था, तो ये नोट आपको करके रखना है रिमेम्बरिंग के लिए। नंबर पॉइंट 4, ऑडिशन की डिटेल्स, यानी कि आपको ऑडिशन की जो डिटेल्स हैं वो कहाँ से पता चली थी, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ऑनलाइन वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से, या टीवी के माध्यम से, ये भी आपको उसमें लिखना है। नंबर 5, ऑडिशन की थीम क्या है, आपका ऑडिशन जो हुआ है, जो नेक्स्ट आपने दिया था पिछले, उस ऑडिशन की क्या थीम थी, मतलब कि अगर आप ऑडिशन देकर आए हैं तो वो ऑडिशन किस बेस पे था, मीन्स विलन के लिए था, एक्टर्स के लिए था, जूनियर आर्टिस्ट के लिए था, कॉफी शॉप के लिए था, कौन से रोल के लिए था, एक तरह से उसकी थीम हो गई, वो भी आपको नोट करके रखना है। ऑडिशन प्रोजेक्ट मूवी या टीवी सीरियल का नाम नंबर 6 पे आता है, यानी कि आपका ऑडिशन किसके लिए हुआ है, कोई टीवी सीरियल एड था, या फिर कोई शॉर्ट फिल्म थी, या फिर वेब सीरीज थी, या बॉलीवुड फिल्म थी, साउथ फिल्म थी, कौन से फिल्म के लिए था, उसका नाम लिख लीजिएगा। अगर नाम नहीं पता है तो इतना तो लिख ही सकते हैं कि टीवी एड के लिए था या मूवी के लिए था। कास्टिंग पैलेस नंबर 7 पे आता है, कास्टिंग पैलेस यानी कि आपका जो ऑडिशन हुआ वो कहाँ हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ था, उसका पूरा एड्रेस, ठीक है। कास्टिंग डायरेक्टर एंड कॉन्टेक्ट नंबर, नंबर 8 पर आपको लिखना है कास्टिंग कौन डायरेक्टर था, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये लिखना है आपको। नंबर 9 पर है प्रोडक्शन नेम, आपका जो प्रोडक्शन नेम है यानी कि जिसके लिए आपने ऑडिशन दिया उस प्रोडक्शन हाउस का क्या नाम है। दरअसल क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती जो कि हमें ऑडिशन पर ही जाने पर पता चलता है। वहाँ पर एक बैनर जरूर लगा होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, ऑडिशन किसके लिए हो रहा है और कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, तो उस प्रोडक्शन हाउस का नाम भी लिख लीजिएगा। नंबर 10 पर आता है ऑडिशन डायलॉग, वहाँ पर आपको एक डायलॉग प्रोवाइड किया जाता है फोटोकॉपी में या कैसे भी, तो वो डायलॉग आपको लिखना है कि अगर आपको याद है कि वाई डायलॉग वो पूरा डायलॉग क्या था, अगर पूरा भी याद नहीं है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि कैसे कैसा डायलॉग था, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपको अपने बारे में, अब आपको अपने बारे में कुछ नोट करना है अबाउट योर सेल्फ। तो सबसे पहले तो ये कि आपको उस टाइम पे आप कैसे फेस में थे, यानी कि आप मुस्टैच मूछ के साथ गए थे, सेविंग के साथ गए थे, चिकने होकर गए थे, गंजे होकर गए थे, कैसे। नंबर 2, हेयर आपके कैसे थे, लॉन्ग हेयर थे, मिडिल हेयर थे, ठीक है, गंजे थे, या फिर आपने छोटे छोटे स्पाइस हेयर किए थे, खड़े हुए थे, कैसे आप हेयर करके गए थे, नंबर 2 बैक पे कर लिखना है। फ्रेशनेस नंबर 3 पर फ्रेशनेस आपको लिखना है कि आप जो ऑडिशन में गए थे वहां पर आप नहा कर गए थे, हाथ मुंह धोकर गए थे, या फिर आप ऐसे ही सैंड वगैरह लगा कर गए थे, क्योंकि क्या होता है सबसे पहले जब हम पहला ऑडिशन देने जाते हैं दिन का, तो उसमें हम जाहिर सी बात है ताजगी के साथ जाते हैं, फ्रेशनेस के साथ जाते हैं, उसके बाद धूल मिट्टी में लिपट जाते हैं, उसके बाद हम दूसरा ऑडिशन देते हैं तो वहाँ पर तो नहीं नहाएंगे, हो सकता है वहाँ पर आपको नहाने का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप उस ऑडिशन की डिटेल में साथ में ये भी नोट करके रखिएगा, आपको पता रहेगा कि मैंने उस ऑडिशन को दिया था उस समय मैं कैसा फील कर रहा था, मैं ना करने ही गया था, मैं कैसा कर गया था, ठीक है। नंबर 4, आपका मेकअप,
आपने जो ऑडिशन दिया है वहाँ पर, जो जिस फिल्म के लिए, मूवी के लिए आपने ऑडिशन दिया है, क्या उसके लिए आपने स्पेशल कोई मेकअप किया था, यहाँ से कट कोई लगाया था खून के लिए, या आप घायल के लिए कोई ऑडिशन दे रहे हैं, या फिर आप स्माइल के लिए, या फिर फेस पे जैसे पाउडर कर लेते हैं वैम्पायर टाइप का ऐसा कोई ऑडिशन, या फिर बिना मेकअप के आपने किया था, तो वो भी नोट कीजिएगा। नंबर 5 सेल्फ डायलॉग। वहाँ पर जो डायलॉग मिलता है ऑडिशन में वहाँ तो वो ठीक है, लेकिन आपने अपनी तरफ से भी कोई डायलॉग वहाँ पर दिखाया था, या आपका कौन सा डायलॉग वहाँ पर था जो कि आप दिखा पाए थे? अगर नहीं था तो वो भी लिखिए कि कोई डायलॉग नहीं था। नंबर 6 5 मिस्टेक्स। अपने बारे में 5 मिस्टेक्स निकाल कर जरूर लिखिएगा कि उस ऑडिशन देने के बाद आपको अपनी कौन सी 5 गलतियाँ जरूर महसूस होती हैं, कि मैं ऑडिशन रूम में गलत तरीके से एंटर हुआ था, या फिर मैं कास्टिंग डायरेक्टर को ज़्यादा बोल गया था, या फिर मैं अपना प्रोफाइल बताते वक्त अटक गया था, या फिर मैं डायलॉग बोलते हुए भूल गया था, या फिर मैं कैमरे के सामने हेजिटेशन फील कर रहा था, या फिर मुझे कैमरे के सामने पसीना आ गया। तो 5 मिस्टेक्स आपको जरूर लिखनी है, जिस पर आपको बाद में काम करने वाले नेक्स्ट ऑडिशन में जब आप उसे पढ़ के जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ था, तो अब मुझे वो नहीं करना है, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। कास्टिंग डायरेक्टर की फीडबैक नंबर 7 पर आता है। कास्टिंग डायरेक्टर की फीडबैक आपके लिए क्या थी, यानी जब आप ऑडिशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, परफॉर्मेंस दे चुके होते हैं, तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं कि हम आपको कॉल कर देंगे, या आपके अंदर ये कमी है आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, या फिर आप कुछ सीखिए, कुछ दिन तक सीखने के बाद आप परफॉर्मेंस दीजिए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर ने एज इट इज लिखा था वो एज इट इज आपको डायरी में नोट करके रखना है। दोस्तों नंबर 8 पर आता है 5 पॉजिटिव थिंग। ऐसे कोई जगह नहीं होती कि आप जहाँ पर जाएं और वहाँ पर पॉजिटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी वहाँ भी मिलेगी आपको, ऑडिशन में भी मिलेगी, भले ही आप उस ऑडिशन के लिए सिलेक्ट ना हुए। तो 5 पॉजिटिव ऐसे लिखिएगा जिसमें आपको लगता है कि हाँ, वहाँ से मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी, कि वहाँ पर आपका कास्टिंग डायरेक्टर आपको बहुत अच्छी बात करता था, या फिर वहाँ पर जो आपके को आर्टिस्ट थे वो बहुत अच्छे थे, और आपने जब ऑडिशन रूम में एंटर किया तो आपका बहुत अच्छे से स्वागत किया, या फिर कैमरामैन बहुत अच्छे थे वहाँ पे, या फिर आपके प्रोडक्शन हाउस के जो और भी कोई स्टाफ हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको 5 अच्छी चीज़ें लगी हैं वो नोट करके जरूर रखिएगा। नंबर 9 पर आता है दोस्तों एनी ग्लैमर फ्रेंड। जब आप किसी ऑडिशन में जाते हैं तो कोशिश करिएगा कि वहाँ पर एक फ्रेंड जरूर बना कर आए, क्योंकि वो आपके रास्ते में बहुत सारी हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं आपको काम भी आएगा। तो एक ऐसा फ्रेंड, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिएगा जो आपको ऑडिशन पे वहाँ पे मिला था और आपको उसने कुछ बातचीत हुई थी, क्या हुई थी, ठीक है। अगर कोई भी नहीं था तो कोशिश करिएगा आगे से कि आगे से किसी ना किसी एक पर्सन को जरूर ऐसा नोट करके रखें ताकि वो आप उसे नोट कर पाए अपनी डायरी में, ठीक है। और नंबर 10 पर आता है दोस्तों अदर। अदर में आप कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं रिगार्डिंग उस ऑडिशन में, अगर आपको कुछ अलग से कुछ ऐसा लगा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं कि मैं रास्ते में जब जा रहा था उस ऑडिशन के लिए तो मुझे ऑटो पंचर हो गया था, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अदर में मैं डाल सकता। तो दोस्तों ये आपको ऑडिशन के बाद, हर ऑडिशन के बाद जरूर करना है, चाहे वो ऑडिशन बहुत छोटी फिल्म के लिए हो, टीवी सीरियल के लिए हो, वेब सीरीज के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, ये चीज़ें आप नोट करके रखेंगे, और जैसे ही आप नोट करेंगे और अगले ऑडिशन के लिए जाएंगे तो इन चीज़ों को पढ़कर जरूर जाइएगा। पिछले ऑडिशन की डिटेल जरूर पड़ेगा, कभी भी खाली समय मिले तो इन डिटेल्स को जरूर पड़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक एक ऐसी एनर्जी मिलेगी कि यार ये चीज़ें मैंने की थी उससे बेटर मैं आज हूँ, और आगे मैं ये चीज़ें दोहराऊंगा नहीं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और आपके पास प्रोडक्शन हाउस के कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेंगे, आगे से कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद एक काम और करना है आपको, जब आपको जाहिर सी बात है आप कास्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से किसी के भी माध्यम से ऑडिशन में पहुंचे होंगे, तो जिसके माध्यम से आप पहुंचे थे ऑडिशन में उसको एक ईमेल या फिर आप एक कॉन्टैक्ट या फिर एक कॉल या फिर एक SMS या व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा, ओनली थैंक यू का। उसमें लिखिएगा कि आपने मुझे ऑडिशन देने के लिए अपना समय निकाला, समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, ठीक है। उसको ये जताना है केवल आभारित हैं आप उसके लिए कि आपने ऑडिशन दिया और उसके लिए आपने बुलाया। आप उसमें सेलेक्ट हुए या नहीं है ये बिल्कुल नहीं पूछना कि सर मेरा ऑडिशन कैसा गया, सर मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, सर मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, सर मेरा ऑडिशन में क्या गलती थी, सर मुझे बता दीजिए। अगर आप ऐसा पूछते हैं तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट होते हैं। और दोस्तों ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत पूछिए, ओनली थैंक यू और उसके बाद आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद कर दीजिएगा। इससे कोई बेनिफिट आपको कास्टिंग डायरेक्टर के अंदर आपकी पॉजिटिविटी दिखाई देगी, आपका मैनर्स दिखाई देगा। आपका काम सिर्फ ऑडिशन देना है, ना कि आपको सिलेक्शन करना, ठीक है। आप अपना ऑडिशन दीजिए, सिलेक्शन करना ना करना उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऐसी ही और वीडियो में मैं आपको जल्द मिलूंगा। फिलहाल अपने दोस्त सचिन सिमालिया को दीजिए आज्ञा नमस्कार। जय हिंद।